हरे कृष्णा राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम और बहुत बहुत आभार। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम अभी है मायापुर में, तो हम आज जा रहे हैं इस्कॉन मायापुर से गौशाला का दर्शन करने के लिए। हम इस्कॉन मायापुर के अंदर ही रुके थे, तो वहाँ से हम गौशाला के लिए निकल गए थे सुबह के 7 बजे। मैं, मेरी दीदी और जीजा जी, हम तीनों जा रहे थे गौशाला का दर्शन करने के लिए। ये देखिए, हम गौशाला में आ गए हैं। मौसम कितना बढ़िया है और आते ही कितनी प्यारी गौ माता की दर्शन हमें मिली। जब मैं बचपन में मायापुर आती थी तो इस्कॉन मायापुर की गौशाला में जो सबसे पहली गाय होती थी उसका नाम था सुरभि। तो जैसे ही मैं उससे मिलने जाती थी, वो मुझे देखा करती थी, मैं भी उसे देखा करती थी। ऐसे देखती थी जैसे कि कोई पिछले जन्म का रिश्ता हो। तो सब बोलते थे, देख तू भी सुरभि, ये भी सुरभि। तो दोनों सुरभि मिल गए। और इस बार भी जब गौशाला में गई, सभी गौ माता मुझे ऐसे देख रही थी जैसे कि बहुत दिनों से हम मिले नहीं। देखिए कैसे देख रही है। मैं तो चौंक गई थी कि क्यों ऐसे देख रही है और सिर्फ मुझे ही देख रही थी। वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग थे, भक्त थे, लेकिन मैं जब इनके पास गई तो ये सिर्फ मुझे ही देख रही थी। मेरे को भी देख के ऐसा लगा कि नहीं, पिछले जन्म का जैसा कोई रिश्ता है। महर्षि वशिष्ठ ने मानव जाति को उपदेश देते हुए कहा है कि गायों का नाम कीर्तन किए बिना कदापि नहीं सोना चाहिए, तथा उनका स्मरण करके ही उठना चाहिए। सुबह शाम उन्हें नमस्कार करें, जिससे मनुष्य को बल तथा पुष्टि की प्राप्ति होती है। यदि बुरे सपने दिखाई देते हैं तो उस प्राणी को गौ माता का नाम लेकर ही शयन करना चाहिए। पद्म पुराण में ब्रह्मा जी नारद मुनि को गौ माता की महिमा बताते हुए कहते हैं, सुनो भक्त शिरोमणि नारद, जिसको गाय का दूध, दही तथा घी खाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता, ऐसे शरीर को व्यर्थ ही समझना चाहिए। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। यही कारण है कि गौ माता की पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा का पुण्य सहज ही प्राप्त हो जाता है। और जैसे ही मैंने गौ माता को बोला कि कैमरे में देखो, तो वो मीठी मीठी नज़रों से कैमरे में देखने लगी। तो अब हमारा गौशाला का दर्शन हो गया था और हम वापस जा रहे थे अपने रूम के लिए, जो कि इस्कॉन मायापुर के अंदर ही था। तो हम चल के गए थे और आते टाइम हम आए थे रिक्शा से, और जब हम वापस जा रहे थे तो हम चल के ही गए थे और मंदिर का नज़ारा, उसका आनंद ले रहे थे। देखिए मंदिर कितना अच्छा लग रहा था, यहाँ का आनंद ले रहे थे। तो गौशाला का व्लॉग आप सबको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और भी मायापुर के बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सबके पास जल्दी से पहुँच जाए। तो आज के लिए ब्लॉग को यही पे एंड करते हैं। आप सब पर श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सब बहुत अच्छे से रहिए, बहुत खुश रहिए। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।